विद्यार्थियों, मैं सुनील भावसार नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के पार्ट 2 वात्सल्य भाव के अंतर्गत सोए हुए बच्चे से कविता का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता श्री हरि नारायण व्यास हैं। नई कविता के कवियों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले श्री हरि नारायण व्यास का जन्म 14 अक्टूबर सन 1923 को जिला साजापुर के सुंदरसी नामक ग्राम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इसलिए विविध प्रकार के अभावों को आपने सहन किया। हरि नारायण व्यास की काव्य यात्रा सन 1951 में अज्ञेय जी के द्वारा प्रकाशित दूसरा सप्तक से विधिवत आरंभ हुई। सोए हुए बच्चे से कविता में हरि नारायण व्यास ने आज के संघर्षशील जीवन की विषमताओं के मध्य वात्सल्य भाव की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति की है। बच्चे की फूलों सी खूबसूरत पलकों को वे यथार्थ जीवन के असफलता भरे ख्यालों से नहीं छूना चाहते हैं। वे तितली के पंखों सी बच्चे की आँखों में उगने वाले रंगीन सपनों को भंग नहीं करना चाहते हैं। जीवन की कठिनाइयों के कारण खुरदुरी कठोर हथेलियों से बच्चे के रेशमी बालों का स्पर्श करना संगत नहीं मानते, ताकि वालोचित सरलता बनी रहे और सफल भविष्य की रचना का इरादा टूट ना जाए। मंगल में भविष्य की रचना के लिए आतुर वाल मन को वे समुचित अवसर देना चाहते हैं। सुखद भविष्य के सपनों भरी नींद में सोए बच्चे की मुस्कान को बेसफल बनाए रखना चाहते हैं, ताकि समय उसे विकसित होने का सुअवसर प्रदान करे। कवि ने नवीन प्रतीकों के माध्यम से युगीन वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति दी है। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं जिनको मैं फूलों से खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं। पहाड़ों से टकराती नाव है, ना कामयाबी की चोट से ये लहूलुहान हैं। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के वात्सल्य भाव के अंतर्गत सोए हुए बच्चे से अवतरित की गई हैं। इनके रचयिता श्री हरि नारायण व्यास हैं। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री हरि नारायण व्यास कहते हैं कि सांसारिक परेशानियों से ग्रस्त उनके विचार बच्चों के योग्य नहीं रह गए हैं। व्याख्या: श्री हरि नारायण व्यास कहते हैं, मेरे ख्याल, ख्याल माने विचार, खूबसूरत माने सुंदर, खूबसूरत पलकों माने सुंदर पलकों छुआ दूँ यानी स्पर्श करा दूँ, सपने बन जाना माने भविष्य सवर जाना। श्री हरि नारायण व्यास बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं कि मैं उन विचारों को फूलों के समान सुंदर तुम्हारी पलकों से स्पर्श करा दूं और मेरे विचारों से तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं, तुम्हारा भविष्य सवर जाए, ये असंभव है। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं। ख्याल माने विचार, दुनियादारी की माने सांसारिक लपटों
माने परेशानी रूपी लपटों से झुलस गए हैं, माने जल गए हैं। नाकामयाबी की चोट माने असफलताओं से लहू लुहान होना, माने रक्त रंजित होना। श्री हरि नारायण व्यास कहते हैं कि मेरे विचार सांसारिक परेशानी रूपी आग की लपटों से जल गए हैं, जैसे पहाड़ों से टकराकर कोई नाव क्षत विक्षत हो जाती है, उसी प्रकार उनके विचार भी जीवन में आई असफलताओं के कारण रक्त रंजित हो गए हैं। परेशानी ग्रस्त विचार उनके बच्चे का भविष्य सवार नहीं सकते, इस प्रकार उन्होंने इन काव्य पंक्तियों में अपने विचारों को बच्चे के योग्य नहीं माना। विशेष प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में वात्सल रस है, मुक्त काव्य है। फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। सहज सरल खड़ी भाषा में विषय का प्रतिपादन हुआ है, जिसमें उर्दू के शब्द भी आ गए हैं। दूसरा काव्य पंक्तियाँ, तितली की पंखों सी तुम्हारी आँखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगे। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हरि नारायण व्यास जी कहते हैं कि यदि उन्होंने अपने विचार बच्चे पर थोपे तो उसके शतरंगी सपने टूट जाएंगे। व्याख्या, कवि हरि नारायण व्यास कहते हैं तितली की पंखों सी तुम्हारी आँखों में, माने बच्चे अभी बाल अवस्था में हैं और उसकी आँखें तितली के पंखों के समान हैं, और उन आँखों में उसने सुनहरे भविष्य के सपने संजोए हुए हैं। वे कहते हैं कि मैं यदि अपने विचार तुम पर थोप दूँ तो तुम्हारी तितली के समान आँखों में तुमने जो शतरंगी सपने देखे हैं, वे सपने तुम्हारे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे सपने अपूर्ण रह जाएंगे। बीमारी वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी वालों की सैस भी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। बीमारी वाली पथरीली हथेलियाँ होना, यानी कभी कहता है उनके हाथों की त्वचा फटी बीमारी वाली और कठोर है। ऐसे हाथों की त्वचा से वे बच्चे के शिशु अवस्था वाले वालों का स्पर्श नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि फटी बीमारी वाली पत्थर के समान इन कठोर हाथों वाली त्वचा से मैं तुम्हारे शेषवी अवस्था वाले रेशमी बालों का स्पर्श नहीं करूँगा। फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा। आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। मंसूबा, मंसूबा यानी अभिलाषा, कामयाब माने सफल, भविष्य माने आने वाला समय, दोषी ठहराना माने दोष देना। यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि यदि उन्होंने बच्चे के रेशमी बालों का स्पर्श किया तो उनकी फटी हुई बीमारी वाली कठोर हाथों की हथेली की त्वचा में फंसकर बच्चे का कोई बाल टूट जाएगा तो उसकी अभिलाषाएं अधूरी रह जाएंगी और उसका भविष्य खराब हो जाएगा। इस स्थिति में संसार के लोग उन्हें दोषी ठहराएंगे। इस प्रकार कवि अपने
फटी हुई बीमारी वाली त्वचा से बच्चे के रेशमी बालों का स्पर्श नहीं करना चाहता, यानी अपना कठोर हाथ उसके सिर पर नहीं फेरना चाहता। ऐसा करने से बच्चे के सपनों के टूट जाने का डर है। विशेष वात्सल रस मुक्त काप तितली की पंखों सी आँखें उपमा अलंकार है। उर्दू के शब्दों से युक्त सहज सरल खड़ी बोली यथार्थवादी दृष्टिकोण। तीसरी काव्य पंक्तियाँ। तुम्हारी पलकों में तैरती उनीदी पुतलियों पर शैमल की रुई सी सुबह की नींद जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचें भरने। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग इन काव्य पंक्तियों में व्यास जी कहते हैं कि बच्चे की आँखें नींद से भरी हैं, उसकी आँखों में नींद का नशा छाया है और उसका मन ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए बेचैन है। व्याख्या तुम्हारी पलकों में उनींदी माने नींद भरी पुतलियों पर माने आँखों की पुतलियों पर शैमल की रुई सी सुबह की नींद माने सुबह की नींद मुलायम होती है, इसलिए कवि ने शैमल की रुई से सुबह की नींद की तुलना की, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार। खुमारी माने नशा कुलाचें भरना यानी हवा में उड़ना या उछल कूद करना। व्याख्या कवि व्यास जी सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पलकों में नींद भरी आँखों में सेमल के समान मुलायम सुबह की नींद का हल्का हल्का नशा छाया हुआ है और तुम्हारा मन हवा में उड़ने के लिए बेचैन हो रहा है, यानी तुम उछल कूद करना चाहते हो लेकिन सुबह की नींद का नशा तुम्हारी आँखों में छाया हुआ है। विशेष वात्सल रस खड़ी बोली यथार्थवादी दृष्टिकोण मुक्त काव्य। यहाँ नींद की तुलना शैमल की रुई सी से की उपमा अलंकार। हम तुम से ही तो अपनी अहमियत पहचानते हैं, तुम हो इसलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार होठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा, तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। संदर्भ पूर्वी की तरह। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि व्यास जी ने बच्चे का महत्व बताते हुए उसके सुखद भविष्य की कल्पना की है। व्याख्या कवि व्यास जी सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं हम तुम ही से तो अपनी अहमियत माने महत्व पहचानते हैं, तुम हो इसलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। मकसद माने महत्वपूर्णता या महत्ता। कवि व्यास जी कहते हैं बच्चे से तुम हो और तुमसे ही तो हम अपना महत्व समझते हैं और तुम्हारे ही कारण हमारे खाने पीने का उद्देश्य होता है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार होठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा, कभी अपने होठों को भी बीमार मानता है और वो सोए हुए बच्चे से कहता है कि मैं अपने बीमार होठों से छूकर तुम्हारे गालों को नहीं जलाऊंगा, यानी तुम्हें मैं
चुंबन भी नहीं लूँगा। तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। कवि कहते हैं कि तुम इसी प्रकार सुखद नींद में, आनंद में भविष्य के सपने देखते हुए मुस्कुराते सोए रहो। मेरा विश्वास है कि तुम्हें जगाने के लिए प्रकाश स्वयं आएगा, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल एवं मंगलमय होगा। विशेष आशावादी दृष्टिकोण, वात्सल रस मुक्त काव्य, व्यवहारिक सरल खड़ी बोली जिसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता सोए हुए बच्चे से में कवि हरि नारायण व्यास ने वात्सल्य भाव की सृष्टि की है। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।